Subscribe to Adda247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos. बच्चों, आज हम टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे और इसकी ट्रिक सीखेंगे। क्यों इसके बारे में हम सीधे बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस समय बैंक के पेपर में आजकल डीआई बहुत ज़्यादा पूछता है और वो भी चैप्टर पे बेस्ड। तो चैप्टर पे बेस्ड डीआई को सॉल्व करने के लिए हमारे बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। बेसिक्स अच्छे होने के लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको उठा करके समझाने की आज कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझते चले। फिर हम एक एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद साथ साथ आपकी डीआई भी चैप्टर पे बेस्ड मैं कराना स्टार्ट कर दूँगा। तो पूरे चैप्टर्स की डीआई भी हम सीखेंगे। और यहाँ पर हम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम सारे के सारे क्वेश्चंस को एफिशिएंसी से लगा सकते हैं। कंडीशंस हमें एफिशिएंसी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो एफिशिएंसी बेसिकली अभी तो मैं आपको दो मेन टाइप के एफिशिएंसी पे क्वेश्चन होते हैं जो उनको सिखा रहा हूँ। वो दो टाइप क्या होते हैं? या तो एफिशिएंसी परसेंटेज वाइज होती है, परसेंटेज बेस्ड, और या तो आपका एफिशिएंसी टाइम्स बेस्ड होती है। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे A इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन B, ऐसे लिखा होगा। और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए क्या होगा बच्चों? टाइम्स बेस्ड में A इज़ ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B। देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन हैं मेनली। इन्हीं दो पे पूरा का पूरा एफिशिएंसी बेस्ड होता है। अब इन दोनों को हमें समझना है, इन दोनों पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनको सीखना है। चलिए वन बाय वन सीखते हैं ज़रा। पहला क्या लिखा हुआ है बच्चों? A इज़ 20% मोर एफिशिएंट दैन B। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ज़रा एक दो क्वेश्चन से समझते हैं इनको बेसिक से। लिखा है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है A इज़ 25% less efficient than B। A B से 25% कम कार्यदक्ष है and both of them can complete the work in 24 days, then A alone will do it in how many days? क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों? A 25% कम कार्यदक्ष है B से। आगे क्या? दोनों मिलके काम को 24 दिन में करते हैं। तो आपको बताना A अकेले कितने दिन में करेगा। आपको क्या बताना? A अकेले कितने दिन में करेगा। चलिए समझते हैं जरा। A और B दो बंदे हैं। अब दो बंदे हैं तो 25% लेस एफिशिएंट है बी से। समझिए, तो अगर मैं ये बोलूँ कि बी 100 काम कर लेता है एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब इनडायरेक्टली पर डे वर्क, तो बी अगर एक दिन में 100 काम कर लेता है तो ए 25% कम करेगा, यानी कितना करेगा? 75। आप ये नहीं मान सकते कि ए को 100 कर दें और बी को 125, कह दें कि 25% ही तो कम है। ये 25% कम नहीं है। कैसे? ये 125 है, ये 100 है, तो कितना कम है? कम तो 25 है, बट किसके रिस्पेक्ट में? 125 के। तो ये 25% नहीं आएगा। आप काट के देख सकते हैं, ये 20% आ जाएगा बच्चों। इसलिए ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं लिखना है। जब भी आपसे इस टाइप की बातें करें तो आपको क्या, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है उसको 100 दे देना है। A 25% कम एफिशिएंट है किससे? B से, यानी B के रिस्पेक्ट में, तो B को दे दिया 100 और A 25% कम यानी 75। अब अगर आप काट दें, चाहे तो काट दें, चाहे तो ऐसे सॉल्व कर ले। काटेंगे तो ये 3 और ये 4, यानी A अगर पर डे 3 काम करता है तो B कितना करेगा बताइए बच्चों? 4। A अगर पर डे 3 काम करता है तो B कितना करेगा? 4। देखें आगे। अब कह रहा है कि दोनों मिलके काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों मिलके 24 दिन, अच्छा दोनों जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 4 3 7, एक दिन में करेंगे 7। तो बताइए 24 दिन में कितना करेंगे? 7 × 24, इतना ही तो करेंगे। ये हो जाएगा टोटल वर्क। कहाँ से मिला? दोनों मिलके 24 दिन में कर लेते हैं पूरा काम। दोनों एक दिन में 7 करते हैं, 7 वर्क पर डे। देन इन 24 days दे विल वर्क 7 × 24, द टोटल वर्क विल बी डन 7 × 24। कितना काम हो जाएगा? 7 × 24। तो टोटल वर्क हमें मिल गया। अब हमें करवाना है किससे? ए अकेले से। ए अकेले कितना करता है पर डे? 3। तो 7 × 24 बटे 3 ए के लिए डेज आ जाएंगे, जिसके लिए पूछ रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। 3 से कितनी बार, 8 बार, कितना आ जाएगा आंसर बच्चों? 56 डेज। काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। चलिए दूसरा देखते हैं और एक कनेक्ट करते हैं। देखिएगा ज़रा, मैंने कहा ए इज़ 25% more efficient than B and 16 whole 2/3% less efficient than C। अब देखिए मैंने 3 लोगों को कनेक्ट कर दिया है। A 25% ज़्यादा एफिशिएंट है B से और 16 सही 2/3% कम एफिशिएंट है C से। If A alone can complete the work, in 20 days, then all together will do it in how many days? बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन मैं फिर से समझा देता हूँ। ए बी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है और 16 सही 2/3% कम एफिशिएंट है सी से। आगे देखें, अगर ए अकेले काम को 20 दिनों में करता है तो सभी एक साथ मिलके काम को कितने दिनों में करेंगे? समझिए ज़रा। अब इसको हम कैसे करेंगे, आप ज़रा आंसर बोले जल्दी। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 30-40 सेकेंड्स आपके लिए मोर देन इनफ है फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी बोले आंसर अपना। करने की कोशिश करें, जल्दी आंसर बोलें। देखिए बच्चों कैसे करना है हमें। इसको करने के लिए हमें पहले कनेक्ट करना सही आना चाहिए। कनेक्ट करना सही तभी आएगा जब हमें परसेंटेज सही से आएगा। देखिए अगर हम 100 से इसको लेके चलेंगे तो थोड़ा परेशान होंगे। हम इसको रेशियो से यूज़ कर लें। रेशियो से कैसे यूज़ करेंगे? 25% की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1/4। 25/100। 25/100 का मतलब 1/4। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/6। कितनी होती है? 1/6। 16 × 3 48, 48 2 50, 50/300। 50/300 करोगे तो कितना आएगा? 1/6। अगेन स्टार्ट करें। अब देखिए कह रहा है ए 1/4 ज़्यादा है बी से, यानी 4/1 ज़्यादा है बी से। तो अगर मैं ए और बी को सिर्फ कनेक्ट करता तो ए 4/1 ज़्यादा है। 4/1 ज़्यादा यानी कितना है? 5 है। ए 5 है जब बी कितना है? 4। ए बी कनेक्ट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। और इतना कम है सी से। कौन? ए। कौन? ए के बारे में बात कर रहे हैं ना। और 6/1 कम है। 6/1 कम है यानी कौन कम है? ए कम है। 6/1 कम है यानी कितना है? 5 है जब सी कितना है? 6 है। देखा जाए 6/1 कम हो गया ए बच्चों, तो 6/1 कम कर दिया तो 5 हो गया जब सी कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। सही है। अब देखिए ज़रा कॉमन कौन है? ए। ए कॉमन है। हमारी किस्मत अच्छी है कि ए दोनों जगह 5 है यानी ए बराबर है। यानी ए जब 5 करता है तो बी कितना करेगा बच्चों? 4। और सी कितना करेगा? 6। ए जब 5 काम करता है तो बी हमारा 4 करता होगा और सी 6 करता होगा। ये क्या है? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को इनडायरेक्टली हम बोलेंगे पर डे का वर्क। यानी ए पर डे अगर 5 करता है तो बी पर डे 4, सी पर डे 6। क्यों पर डे बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ डेज में इंफॉर्मेशन चल रही है। अगर आवर्स में चलती तो हम क्या बोलते हैं? पर आवर वर्क, 1 घंटे का काम। आगे समझे? आगे समझते हैं जरा। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? आगे लिखा हुआ है सभी मिलके एक साथ कितने दिन में करेंगे अगर ए अकेले काम को 20 दिन में करता हो। अच्छा बताइए ए अकेले पर डे कितना करता है? 5 काम। कितना करता है? 5। तो 20 दिनों में कितना कर देगा? 20 × 5 यानी कितना कर देगा? टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा बच्चों 100। कितना होगा? 100। अब इस 100 को किससे करवाना है? तीनों से करवाना है। तो 100 को तीनों से करवाना है तो 5 4 9, 9 6 15, 1 दिन में 15 होगा। तो कितने दिन लगेंगे जब तीनों जाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी। 100/15 यानी 20/3 यानी 6 सही 2/3 दिन। आंसर कितना आएगा बच्चों? 6 whole 2/3 डेज। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपको फिर से देते हैं करने के लिए। ज़रा आप देखिए आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं। काफ़ी आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। ए इज 6 whole 2/3% less efficient than B, and (44 whole 4/9% more efficient than C. If all the three together can complete the work in 16 days, then B and C together will do it in how many days? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन फिर से मैं बोल देता हूँ, ए के बारे में कह रहा है, ए 6 सही 2/3% कम एफिशिएंट है बी से और 44 सही 4/9% ज़्यादा एफिशिएंट है सी से। कह रहा है अगर सभी तीनों मिलके काम को कितने दिन में, 16 दिन में करते हो, तो बी सी मिलके कितने दिन में करेंगे। चलिए ए बी सी समझा जाए। सबसे पहले मैंने कनेक्ट करना सिखाया है, आप पहले ए और बी को कनेक्ट करें। 6 सही 2/3% आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। 6 × 3 = 18, 18×2 = 20, 20 बटा 300, 20 बटे 300 का मतलब 1 बटे 15। कितना आएगा बच्चों? 1/15। सही है। 6 होल 2/3% 1/15 होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इनकेस आप ऐसे देख लीजिए, 6 × 3 = 18, 18×2 = 20, 20 बटे 300, 20 बटे 300 का मतलब कितना होता है बच्चों? 1/15। अब आगे समझिए जरा। तो आगे हम क्या करेंगे, 15 पर 1 क्या है? कम एफिशिएंट है ना। 15 पे 1 कोई कम एफिशिएंट है तो कितना होगा? 14 होगा। कौन होगा? ए। 15 पे 1 कम एफिशिएंट, यानी ए जब 14 है तो बी कितना है बच्चों? 15 है। आई थिंक इतना समझ रहे होगे आप। अच्छा चलिए फिर क्या कह रहे हैं, और इतना ज़्यादा एफिशिएंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 4/9। ये कहाँ से आया है? 11 होल 1/9% से। 11 होल 1/9% कितना होता है? 1/9, उसका 4 गुना लिखा हुआ है तो 4/9 डायरेक्टली, यानी 9 पे 4 क्या है? ज़्यादा है। 9 पे 4 ज़्यादा है। कौन? ए। किससे? सी से। 9 पे 4 बढ़ा दोगे तो कितना हो गया? 13 हो गया। 9 पे 4 ज़्यादा तो 13 हो गया, जब सी कितना है? 9 है। सही है बच्चों। अब आगे देखते हैं ज़रा, आगे देखा जाए। अब देखते हैं कॉमन कौन है। कॉमन ए है। ए एक जगह 14 है, ए एक जगह 13 है। हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 13 से, बराबर हो गया तो इसमें भी 13 से कर दो। 13 से किए हो ना, यहाँ 14 से किए हो, 14 से किए हो तो × 14 दोनों में कर दो। आई थिंक अब सब बराबर हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि कौन कितना काम करता है। ज़रा देखें, ए कितना कर रहा होगा? 13 × 14, 13 × 14 कर लीजिए डायरेक्टली। 14 × 3 = 42, 14 × 1 = 14, 4 = 18। ए जब 182 करता है तो बी देखें, बी कितना करता है? बी 15 × 13 है तो 15×3 = 45 और 15 × 1 = 15, 4 = 19। सही है। सी कितना कर रहा होगा बच्चों? 14 × 9 = 126। तीनों का वर्क मिल गया हमको। सही है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा तीनों मिलके काम को 16 दिन में करते हैं। तीनों एक दिन में कितना करेंगे? जोड़ के देखो, 6 2 8, 8 5 13, 6 2 8, 8 5 13, एक कैरी है, 8 1 9, 9 9 18, 18 2 20, 2 कैरी है, 3 2 5। तीनों को आप जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है बच्चों? 503। तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 503। फिर से 5 2 7, 7 6 13, एक कैरी है, 8 1 9, 9 18, 2 20, 2 कैरी है, 3 2 5। सही है। तीनों मिलके एक दिन में 503 काम करते हैं तो 16 दिन में पूरा कर लेंगे। तो बताओ बच्चों, पूरा काम टोटल वर्क कितना होगा? 503 × 16, एक दिन में उतना, तो 16 डेज में इतना। अब आपसे पूछ रहा है, कह क्या रहा है? कह रहा बी सी मिलके, तो बी सी मिलके कितना करते हैं? 6 5 11, बी सी मिलके कितना करते हैं? 11, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 1 3, कितना करते हैं बच्चों? 300। कितना करते हैं? 321। तो किससे डिवाइड करेंगे? 321। सॉल्व कर लीजिए डायरेक्टली, आपके लिए क्या आ जाएगा आंसर। आई थिंक अब आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है। नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा एक और कर दीजिए, देखिएगा ज़रा। A is twice as efficient as B and 5 times as efficient as C. If A alone can do the work in 10 days, then B and C together will do it in how many days? क्वेश्चन क्लियर है। A 3 गुना ज़्यादा 2 गुना एफिशिएंट है B से और 5 गुना एफिशिएंट है C से, सही है। तो आपसे कह रहा है A अकेले अगर 10 दिन में करता है तो B C मिलके कितने दिन में करेंगे। समझे जरा, A B डबल है A B से, तो B अगर 1 करता है तो A कितना करेगा, 2। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है और 5 गुना एफिशिएंट है C से। कौन एफिशिएंट है 5 गुना? A। A C से 5 टाइम्स एफिशिएंट है, तो A और C की अगर आप बात करो तो A 5 टाइम्स है C का। अब आप देखो A कॉमन है तो A को बराबर होना चाहिए, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो यहाँ किससे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ किससे, 5 से मल्टीप्लाई। मिल गया सब। A का काम कितना आएगा, 10। B कितना करेगा जब, 5, और C जब कितना करेगा, 2। आप देख सकते हो A B का डबल है 5 है तो 10 है, और C का 5 गुना है 2 है तो 10 है। पूरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलिए, कह रहा है A अकेले काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। A पर डे कितना करता है, 10 काम, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 × 10, 100 काम करेगा। ये टोटल वर्क होगा जो किससे करवाना है, B और C से। तो B और C मिलके कितना करते हैं, 5, 2, 7, यानी 100/7 विल बी योर आंसर, 14/2/7 days। आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बाकी हम टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी वाला पार्ट डीआई से कनेक्ट करके सीखेंगे चैप्टर पढ़ते टाइम। अभी आपको एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस को इस टाइप से करना है। तो इसके आगे का पार्ट बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। Subscribe to Adda247 YouTube channel and press the bell icon for all the updates on latest videos.